अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक छोटी सी बेबी का फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। छोटी सी बेबी की फ्रॉक डिजाइनिंग लेकर आए हैं, तो मेरे पास ये मुख्तलिफ पीसेस बचे थे मेरे ड्रेस के साथ, तो मैंने इससे एक छोटी सी बेबी के लिए यानी 3 मंथ की बेबी के लिए फ्रॉक बनाना जो है वो बनाई है, और मैंने सोचा आपको भी सिखा दूं। तो आपने बड़ी फ्रॉक्स तो सीखी होंगी, अब आपको छोटी सी फ्रॉक बनाना सिखाते हैं। ये मैंने एक कपड़ा लिया है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 5 और लेंथ 6.5 इंचेस रखी है। अब यहां से इसका जो है मैं तीरा लूंगी, ये मैंने तकरीबन इसको 3 इंचेस रखूंगी, और उसके बाद इसके जो आर्म होल है वो 3.5 इंचेस। और यहां से इसकी जो फिटिंग है ये वो 3.5 इंचेस। और उसके बाद ये हमारी पेटी हो गई है, और यहां से मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये देखिए मैं ओपन करती हूं इस तरह से, और ये मैंने मुख्तलिफ पीसेस को जोड़ा है, और उसके बाद ये इसका मैंने घेरा बनाया है। ये देखिए मैंने यहां से भी इसको जोड़ा है, और दूसरी साइड पे भी ये छोटे छोटे पीसेस थे। तो यहाँ पे इसकी जो मैं फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 9 इंचेस है, और इसकी जो यहां से इसकी जो नीचे की तरफ लेंथ बन रही है वो 8 इंचेस बन रही है। विड्थ इसकी 9 इंचेस फोल्ड करने के बाद, और 18 इंचेस टोटल इसकी विड्थ बन रही है। ये जो मैंने ऊपर पेटी बनाई थी इसको यहां पे रखूंगी, और ये हिस्सा जो है वो यहां पे आएगा, नीचे घेरा है इसका। और ये यहां पे मैं इसका नेक बना लूंगी, यहां से 2.5 इंचेस तकरीबन हमने रखा है उसको, यहां पे इस तरह से करके गोल नेक बना लेंगे। ये यहां से आप मजीद इसको गोल कर लें, ये देखिए ये गोलाई में हो गया है इस तरह से। और यहाँ पे कपड़े के साथ इसको पेस्ट करके इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से मैंने इसके बैक साइड पे कपड़ा रख के इसको अब दूसरी साइड पे फोल्ड करके
ये मैंने नेक बना ली है। और ये मैं कपड़ा लिया है, मैंने इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से 16 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ रखी है। फोल्ड करके यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगा के इसकी एक जैसे डोरी बनाते हैं वैसे कर लेंगे। और उसके बाद इसको मैं दूसरी साइड पे ओपन कर लूँगी। और ये इस तरह से इसको मैंने आयरन की मदद से प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे मिड पे मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे इसको सिलाई मैंने मोटी सिलाई लगाई है और उसके बाद यहाँ पे इसकी चुंटे बना लूँगी। और यहाँ से इसकी बारीक बारीक चुनटे डाल लें। ये इस तरह से चुनटे डालने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे नेक पे लगाऊंगी। बिल्कुल मिड में इसको सिलाई लगाऊंगी इसकी। इस तरह से ये देखिए फ्रिल सी जो बनने बनाई है मैंने वो यहाँ पे मिड में आ गई है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देखिए, ये इसकी बैक साइड भी मैंने बना ली है। बड़ी फ्रॉक बनाना तो बहुत इजी होता है लेकिन जो छोटी फ्रॉक्स होती हैं बिल्कुल छोटी सी वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत टैलेंट की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है क्योंकि ये ख़राब भी हो सकती है, तो इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो अब इसके बाद इसके कंधे जो हैं ये भी मैं जोड़ लूँगी। और आज आपके लिए एक नई ऑफ़र भी मैं लेकर आई हूँ कि अगर आपको ड्रेसेस वगैरह स्टिच करवानी हैं तो आप यहाँ पे मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ पे भी एक नंबर वीडियो में दे देती हूँ, तो आप इस नंबर पे एक कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको ड्रेसेस वगैरह स्टिच करवाने हैं, लॉन के ड्रेसेस या बच्चियों के ड्रेसेस या मुख्तलिफ़ किस्म के, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये मैंने कंधे जो हैं ये इनके आपस में स्टिच कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये मैं इसके स्लीव्स मैंने लिए हैं, 4 इंचज़ मैंने स्लीव्स की लेंथ रखी है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 4.5 इंचज़ रखी है। और ये जो है कपड़ा इसको मैं यहाँ पे आगे वाली साइड पे लगाऊंगी। ये मैंने इसकी चुंटे बनाई हैं, चुंटे बनाने के बाद यहाँ पे इसको मैं इसकी जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर भी इसको मैं हल्की सी चुंटे डालूँगी। दोनों तरफ ये देखिए मैंने बाजू लगा ली हैं इसके।
और ये यहाँ पे इसके नीचे वाला हिस्सा जो है ये भी अटैच कर लेंगे। ये देखो मैंने चुनटे डाली हैं। ये बैक साइड वाला हिस्सा ये भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लूंगी और उसके बाद यहाँ पे इसकी पेटी के ऊपर ये लेस में अटैच कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सही से मैच हो रही है, बहुत खूबसूरत लगेगी। दोनों साइड पे यहाँ पे रख के तो इसकी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और अब इसकी यहाँ पे एंड पे इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं सीधी साइड पे मोड़ लेती हूँ। ये देखिए ये मैं सीधी साइड पे मैंने इसको मोड़ लिया है। अब उसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से भी मैं लेस जो है वो ज्वाइन कर लेती हूँ। इसको इसका हिस्सा जो है वो अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए ये लेस जो है वो साथ में मैं सिलाई कर लूंगी। अब इसको यहाँ पे सारी लेस लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी लेस जो है वो साथ में लग चुकी है और खूबसूरत सी छोटी सी बेबी फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप अपनी गुड़िया को पहना सकते हैं, आप छोटे से बेबी को पहना सकते हैं, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत मेहनत से तैयार हुई है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।